काफी समय बाद फिर से भल्ला और अय्यर फैमिली में खुशियों का माहौल है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार शगुन की आत्मा ने इशिता को छोड़ जो दिया है, और अब रमन और इशिता की फैमिली दिवाली को पूरे जोर शोर से मना रही है। माता रानी की कृपा से वो नॉर्मल हो गई, प्रतीक ने हमारी हेल्प की, और वो कुछ टोना टोटका था, धागे वागे बांधने थे, उससे उसकी जो शगुन की आत्मा है उसने इशिता का बॉडी छोड़ दिया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो इसलिए मतलब ये कि मैंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि वैसे भी मतलब ये कि दिवाली का माहौल है और बच्चे बिल्कुल मायूस बैठे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है, प्लस ये कि हमारे लिए वाकई जश्न का मौका है कि इशिता अच्छी हो गई, तो हम लोग बड़े खुशी से दिवाली मना रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दिवाली की पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन इशिता वहाँ पे मौजूद नहीं है, और तभी इस जश्न के बीच रमन पे कोई पत्थरों से हमला करता है। इसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सब ये सोचने लगते हैं कि वो कौन हो सकता है जिसने रमन पर हमला किया है, हमलावर बाहर का है या फिर शगुन की आत्मा ये सब कर रही है। ये थी NIS द्वारा प्रेस रिपोर्ट।